खस्ता हाल सड़कें हादसात की बुनियादी वजह, सरकार सड़कों की बेहतरी को यकीनी बनाए। तनवीर अहमद तांत्रे। नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेजबान तारक शेख। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जम्मू कश्मीर में आए रोज हादसात की वजह सड़कों की बदहाली और खस्ता हाली है। जिन ख्यालात का इजहार मंडी में कहीं लोगों ने जराई इब्लाग से बात करते हुए कहा, वहीं मंडी में इस हवाले से तनवीर अहमद तांत्रे ने एक सवाल के जवाब में बताया कि रजौरी और पुंछ में जो बड़े हादसात पेश आ रहे हैं, इनकी असली वजह सड़कों की बदहाली है। उन्होंने बताया कि पुंछ से मंडी और मंडी से लोहरन सावजियां जाने वाली सड़कों की बदहाली और खस्ता हाली देखकर ऐसा लगता है कि गोया ये अवाम के पैदल चलने का रास्ता है। वहीं तनवीर अहमद तांत्रे ने कहा कि इन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की हालत देखकर लगता नहीं कि ये सड़कें गाड़ियों के लिए हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से गुजारिश की है कि वो इस हवाले से नोटिस लें ताकि लोगों को बेहतर और मयार सड़कें मिल सकें। नाजरीन, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जैसे आपने पूछा कि एक्सीडेंट के हवाले से, मैं सीधी और साफ लफ्जों में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ज़िला पुंछ की बात करूँ, यहाँ पर हमारे रोडों की इतनी खस्ता हालत है, इतनी खस्ता हालत है कि आप बात ही मत पूछें कि आए रोज़ आपने देखे होंगे हमारे नौजवानों के जिस्मों के अंग खोए हैं उन लोगों ने, हमारे यहाँ पर नौजवानों ने अपनी जानें खोई हैं। यहाँ पर आए रोज़ देखते हैं आपके एक्सीडेंट होते हैं। वो एक्सीडेंट होने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो हमारे रोडों की खस्ता हालत है, यहाँ पर जो है ज़िला इंतज़ामिया इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। और आज आपके मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश करूँगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ की पूरी इंतज़ामिया से कि हमारे रोडों की मुरम्मत की जाए ताकि दोबारा ऐसा हादसा जो है वो पेश ना आए। देखो, सबसे पहले तो मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कैमरे के आगे कि हमारे यहां पर जब ये लोग डेवलपमेंट के दावे करते हैं, वादे करते हैं, ये खोखले हैं। अगर यहां पर हमारी सावजियां वाली रोड की हालत देखी जाए, लोरन वाली रोड की हालत देखी जाए तो रोना आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि हम कौन सी सदी में जी रहे हैं और कब हमारे इन रोडों की जो है वो मुरम्मत होगी। आए रोज आपने खबरों में देखा होगा कि हमने जी वहां पर इतनी बड़ी डेवलपमेंट की। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो रोड कनेक्टिविटी है, एक गांव को एक शहर से मिलाती है और एक शहर को जो है एक मुल्क के साथ मिलाती है। लेकिन हमारी यहां पर जो है उनकी ही खस्ता हालत है, तो बाकी किस डेवलपमेंट की हम तवक्का करें और किस डेवलपमेंट की हम आस उम्मीद जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रखें।